दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी यही सोच रहे थे कि 2020 की सबसे कड़वी याद कोरोना वायरस है तो आप गलत हैं। जी हाँ, मार्केट में कुछ ऐसा नया आ गया है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक फिल्म की जिसका नाम है कुली नंबर वन। मैं अनुभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। डायरेक्टर डेविड धवन ने 1985 में एक धमाकेदार फिल्म बनाई थी जिसका नाम था कुली नंबर वन और उसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर की गजब की जोड़ी थी। ये वो फिल्म थी जो लोगों को बेहद पसंद आई। लेकिन अब पापा डेविड धवन ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है कुली नंबर वन, जो कि 1995 में आई कुली नंबर वन की ही ऑफिशियल रीमेक है और इस बार नजर आ रहे हैं वरुण धवन और सारा अली खान। 1995 में आई कुली नंबर वन एक धमाकेदार फिल्म थी जो लोगों को बेहद पसंद आई थी, लेकिन 2020 में आई कुली नंबर वन बेहद निराश करती है। स्टोरी की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज कहानी ली गई है बहुत थोड़ी सी तब्दीली के साथ। लेकिन फिल्म सिर्फ कहानी की वजह से नहीं चलती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जरूरी नहीं कि वही कहानी रिपीट कर दी जाए तो फिल्म फिर से वैसे ही बम्पर हिट हो जाएगी। वरुण धवन की कुली नंबर वन का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स बहुत ही खराब हैं। डायलॉग्स की बात करूं तो इतने अजीब हैं कि समझ नहीं आता कि किसी राइटर ने लिखे हैं या नर्सरी पोएम्स या राइम्स को उठाकर तोड़ मरोड़ दिया गया है और डायलॉग्स बनकर तैयार हो गए। स्टार कास्ट की बात करें तो मेन लीड कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं वरुण धवन, सारा अली खान, राजपाल यादव और परेश रावल। लेकिन ये वो कैरेक्टर्स है दोस्तों जो सिर्फ फिल्म की शोभा बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग तो इन्होंने की ही नहीं। वैसे वरुण धवन एक बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ ओवर एक्टिंग की है। पूरी फिल्म में या तो वरुण धवन गोविंदा की कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर मिथुन दा की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। सारा अली खान फिल्म में नो डाउट खूबसूरत लगती है, लेकिन दोस्तों उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता। सारा अली खान की एक्टिंग ने भी फिल्म का कबाड़ा कर दिया है। अनडाउटेडली दोस्तों उन्हें एक्टिंग स्कूल जाना ही चाहिए। फिल्म में नजर आते हैं राजपाल यादव जो उम्दा एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति कपूर की नकल उतारते हुए नजर आ रहे हैं या फिर इस तरह की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं तोतले बने हुए। उनके डायलॉग समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। परेश रावल जो इंडियन सिनेमा के एक बेहतरीन एक्टर हैं, वो भी खराब एक्टिंग और बहुत ही अजीब से डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट की बात करें दोस्तों तो जावेद जाफरी, साहिल वैद और शिखा तंसानिया ने ठीक ठाक काम किया है। कहने को ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है। जिस तरह इस फिल्म में कॉमेडी की गई है दोस्तों, आपको हंसी नहीं आएगी बल्कि ये आपको इरिटेट ही करेगी। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो दोस्तों वो ओरिजिनल बिल्कुल नहीं है। पुराने गाने ही मिर्च मसाला लगाकर वापस से रिन्यू कर दिए गए हैं, जो कि बेहद अफसोसजनक है। डायरेक्शन की बात करें दोस्तों तो डेविड धवन जैसे डायरेक्टर ने अपनी ही क्लासिक फिल्म को पूरी तरह से बर्बाद किया है। क्रिसमस के दिन आई ये फिल्म अमेजन प्राइम पर एक गिफ्ट भी हो सकती थी, जो कि नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल कि इसे देखें या नहीं देखें, तो दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है करने के लिए कुछ भी, तो आप इसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप एक अच्छी फिल्म देखना ही चाहते हैं तो ओरिजिनल कुली नंबर वन गोविंदा स्टारर जरूर देखिए, वो एक बेहतरीन फिल्म है। मेरी तरफ से इस फिल्म को है 2 स्टार्स। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो नए कॉन्टेंट में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।